हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्टिरेयांश। मैं हूँ प्रियंका और आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस मॉड्यूलर ड्रॉअर सिस्टम का रिव्यू, जो कि जॉयफुल स्टूडियो ब्रांड से है। और ये 5 एक्स्ट्रा लार्ज मॉड्यूलर ड्रॉअर सिस्टम है, जो कि बहुत ही अच्छी सी पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ है। आप देख पा रहे हैं इस तरीके से हर एक पार्ट को प्लास्टिक में पैक किया हुआ है, ताकि इस पे शिपिंग के दौरान बिल्कुल भी स्क्रैच ना हो, डैमेज ना हो। बिल्कुल ग्लॉसी लुक में मुझे ये रिसीव हुआ है, कहीं से भी डैमेज नहीं है। और इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और इसका जो प्राइस है वो है जस्ट 960 रुपीज़, क्योंकि मैंने रिपब्लिक डे सेल में इसे परचेज़ किया था। और इसकी जो एक ड्रॉअर है वो 4 kg तक वेट होल्ड कर सकती है। और इस तरीके से इसके सारे पार्ट्स आपको यहाँ पर मैं अटैच करके भी बताने वाली हूँ, इस तरीके से मुझे रिसीव हुए हैं प्लास्टिक पैकेजिंग में। ये ड्रॉअर सिस्टम सिंगल कलर में भी अवेलेबल है, बट मैंने मल्टी कलर में ऑर्डर किया क्योंकि सिंगल कलर का थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा था। तो ये देख रहे हैं आप, 960 रुपीज़ में मुझे रिसीव हुआ है और बहुत ही अच्छी इसकी क्वालिटी। अब मैं आपको इसको जल्दी से असेंबल करके बता देती हूँ। तो इस तरीके के ऐसे लंबे वाले इसमें स्टैंड्स आए हैं, जो कि आप बेस में इस तरीके से अटैच करते जाएंगे। थोड़ा सा इनका शेप डिफरेंट है, आप देख लेंगे, पर्टिकुलर शेप के हिसाब से ही उसे अटैच करते जाएंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो ये आप सामने ट्रायंगल वाला पार्ट देख रहे हैं ना, इस तरीके का जो शेप है उसको एक तरफ सारे अटैच करना है, और बैक साइड में इस तरीके के शेप्स को सारे को एक तरफ पे अटैच करना है। इस तरीके से इसका पूरा बेसिक स्ट्रक्चर आपने देख लेंगे, इस तरीके से बन जाएगा पूरा, बहुत ही इजीली असेंबल हो जाता है। एंड बॉटम में इस तरीके के ये छोटे वाले से स्टैंड आप देख रहे हैं, इस तरीके का है, इसे आप अटैच कर देंगे यहाँ पर। और इसका जो पूरा लेंथ है वो है 100 cm, और इसकी जो विड्थ है वो है 30 cm, और इसकी जो डेप्थ आप देख रहे हैं ना वो 35 cm है। तो इस तरीके का ये काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइज़र आपको मिल जाता है इस प्राइस में। और इसका टोटल वेट जस्ट 400 ग्राम है, तो बहुत ही लाइट वेट है, ईजिली आप कहीं पर भी इसे अरेंज कर सकते हैं, और आप जब घर की सफाई करते हैं तो ईजिली इधर उधर मूव भी कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। हर एक ड्रॉअर का डायमेंशन भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बस टॉप में अब आपको इस तरीके से इसे फिक्स कर देना है। और टॉप भी बहुत ही अच्छा सा आप देख रहे हैं, प्लास्टिक की क्वालिटी यहाँ पर समझ में आ रही है आपको, वैसा नहीं है कि बिल्कुल दबाएंगे तो दब जाएगा। और बहुत ही अच्छी फिनिश ड्रॉअर में भी दी हुई है, आप देख पा रहे हैं इस तरीके से, यहाँ से होल्ड करके आप ड्रॉअर को अच्छे से ईजिली ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी फिनिश आप देख पा रहे हैं बॉक्स में, काफ़ी प्यारे वाइब्रेंट कलर्स हैं आप देख पा रहे होंगे, और बहुत ही अच्छे लगते हैं। किड्स के रूम में भी आप अरेंज करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने अपने किड के लिए ही ऑर्डर किया है। आप इसे अपने ऑफिस में, किचन में, बेडरूम में, कहीं पे भी एज ए ऑर्गेनाइजर यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। बस एक प्रॉब्लम है, जब रियांश इसे एक्टिवली पुल करता है तो पूरा के पूरा ड्रॉअर बाहर निकाल लेता है, तो थोड़ा सा एक कुछ छोटा सा लॉक होता है जो इसको वहाँ पर ही होल्ड करके रखता तो बहुत अच्छा रहता, अदरवाइज़ क्वालिटी बहुत बहुत अच्छी है। सो गाइस, अगर ये रिव्यू आपको हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।